2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी कोलकाता में होस्ट किया गया था। फुटबॉल की क्रेज को देखते हुए फीफा ने कोलकाता में वर्ल्ड कप होस्ट करने की सोच रहा है। इसके अलावा मोहन बगान, ऐसे तो आप लोगों ने कोलकाता शहर के बारे में कई सारे वीडियोस देखा है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग कोलकाता को एक्सप्लोर करेंगे और इसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। 300 साल से ज्यादा पुराना शहर है कोलकाता। ये शहर अपने इतिहास, कल्चर और विरासत को संभालते हुए, आज की मॉडर्न टेक्निक को अपनाते हुए इंडिया में सबसे तेज विकसित करने वाला शहर के लिस्ट में शामिल है। कोलकाता इंडिया का 3rd मेट्रोपोलिस सिटीज एंड 3rd सबसे हायर जीडीपी वाला शहर है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया की कल्चरल कैपिटल एंड पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर कोलकाता को। इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में गंगा नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता की पॉपुलेशन करीब 80 लाख से भी ज्यादा है। अगर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया को पकड़कर चले तो 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर है कोलकाता। और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्ला। कई साल पहले ब्रिटिश ने अपने व्यापार, उद्योगीकरण और रहने की सुविधा के लिए बिल्कुल लंदन की तरह ही गंगा नदी के किनारे सुतानोटी, गोविंदपुर और कालीकाटा, 3 अलग अलग गांव को मिलाकर कोलकाता शहर को बसाया। हालांकि तब के जमाने में इसे कलकत्ता नाम से बुलाया जाता था। 1773 से 1911 तक कोलकाता भारत का राजधानी हुआ करता था। मतलब आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी राजधानी कोलकाता ही था। 2001 में बंगाल सरकार ने कलकत्ता से ऑफिशियल नाम कोलकाता रख दिया। इन सब बातों से पता चलता है कोलकाता कितना पुराना शहर है, और इसलिए कोलकाता को जितना जानेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही सरप्राइज निकल कर आएगा। सेकेंड बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम से लेकर 3rd बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम तक, फास्ट मेट्रो से लेकर फास्ट पोलो क्लब, फास्ट ऑस्कर से लेकर फास्ट नोबेल प्राइज, फास्ट कॉफी हाउस से लेकर फास्ट न्यूज़पेपर, फास्ट मोबाइल से लेकर फास्ट टीवी टावर, रेसिडेंसी से लेकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ से लेकर नेताजी, फास्ट अंडर वाटर मेट्रो से लेकर फास्ट कैंटिलीवर ब्रिज तक, हर एक में कोलकाता की चमक है। ऐसे ही कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय नहीं कहा जाता। कोलकाता सच में सिटी ऑफ जॉय है, जिसका मतलब है आनंद का शहर। मुगल से लेकर नवाब तक, नवाब से लेकर ब्रिटिश राज तक, ब्रिटिश राज से लेकर आज तक कोलकाता कभी पुराना नहीं हुआ है। समय के साथ साथ ये शहर भी बदलता गया, लेकिन इसकी बंगालियाना कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर, स्टाइल, ऑनेस्टी में कोई चेंजेस नहीं आया। कोलकाता कभी थकता नहीं है अपने सपनों को देखने में। जॉय एंड हैप्पीनेस इस शहर का लाइफलाइन है। उत्सव छोटी हो या बड़ी, इसकी हैप्पीनेस में कभी कमी नहीं आती। अगर कोई फेस्टिवल ना भी हो तो भी लोग कुछ ना कुछ फेस्टिवल मानकर झूमता है। दैट्स कोलकाता। इसलिए बांग्ला में एक कहावत है, 12 मासे 13 पार्वण, 12 महीने होती है, लेकिन बांग्ला में 13 फेस्टिवल आती है। यही है सिटी ऑफ जॉय, इसलिए लोग इस शहर के प्यार में पड़ जाते हैं। कोलकाता एक डायनेमिक सिटी है। इसकी कल्चर, ऑनेस्टी, ट्रेडिशन, पूरे वेस्ट बंगाल की एक वर्सेटाइल वर्जन कोलकाता में दिखे जाते हैं। कोलकाता की यही ऑसमनेस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वेस्ट बंगाल की सिर्फ राजधानी शहर नहीं है, ये शहर पूरे वेस्ट बंगाल की इमोशन है, जिसे सभी लोग दिल से चाहते हैं। आज की कोलकाता शहर एक डेवलप मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पे इंडस्ट्री, एजुकेशन, ट्रेड, बैंकिंग सेक्टर, इको हब, आईटी एंड सॉफ्टवेयर हब, फिशिंग हब, फिल्म सिटी हब, एग्रीकल्चर हब एंड मेनी मोर। इन सबसे कोलकाता की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जिससे शहर के जीडीपी ग्रोथ एंड फाइनेंस स्टेबल रहता है। इस सब के वजह से ही कोलकाता इंडिया का 3rd रिचेस्ट सिटी है। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रिटिश राज के समय लंदन के बाद कोलकाता 2nd मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था पूरे विश्व में? कल्चर, ट्रेड, बिजनेस, मेजर यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड अदर मेजर इंस्टीट्यूशन कोलकाता में ही कंस्ट्रक्टेड किया गया था। इंडिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर कोलकाता में ही मौजूद है, अलीपुर जू, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के साथ अन्य एनिमल्स भी शामिल है। इसे सबके लिए 1875 में, जी हाँ 1875 में खोला गया था। दुनिया का सबसे पहला पोलो क्लब कोलकाता में ही स्टैब्लिश किया गया था। 1858 में इसे बनाया गया था। अब तो यूरोप के कई सारे शहर में पोलो क्लब मौजूद है। ये तो सबको पता है कि बंगालीज किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए बंगालीज की नॉलेज भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का 2nd लार्जेस्ट बुक मार्केट कोलकाता में ही मौजूद है? इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट 2nd लार्जेस्ट बुक मार्केट है। कहा जाता है अगर आपको कोई किताब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो समझिए वो किताब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोलकाता हमेशा ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते आया है। इस शहर से कई सारे साइंटिस्ट निकल कर आया है। कोलकाता में ही मौजूद है एशिया का लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम, नोन एज बिरला प्लेनेटोरियम, और ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम भी है, जिसे 1963 में एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, कोलकाता में मौजूद
एक साइंस सिटी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट सेंटर फॉर द कल्चर साइंस है। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत ही नॉलेजेबल हैं। कोलकाता इंडिया का एक लौता शहर है जहाँ पे टोटल 6 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। इंडिया में सबसे पहले 1913 में गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज मिला था और हाल ही में 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, फिल्म में भी सबसे पहला ऑस्कर भी कोलकाता शहर को मिला था। सत्यजीत राय को ये अवार्ड मिला था अपने बंगाली फिल्म पथेर पांचाली के लिए। इससे शहर की रिच कल्चर और कितना हाईली एजुकेटेड सिटी है इससे पता चलता है। कोलकाता इंडिया का अकेला ऐसा लौता शहर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैम्स चलती है। 1902 से ट्रैम्स पूरे कोलकाता शहर में चलते आ रहे हैं। हालांकि अभी मॉडर्न एसी लग्जरी ट्रैम्स आ चुके हैं जो ज्यादा एंजॉयबल एंड कंफर्टेबल है। इसके अलावा ओनली इन कोलकाता में ही हैंड पुल रिक्शा चलती है जो पूरे विश्व में कोलकाता में ही है। बैठने के बाद ड्राइवर अपने हाथों से खींच के रिक्शा को चलाते हैं। देश का सबसे पुराना पोर्ट भी कोलकाता में मौजूद है जहाँ से 200 साल से भी ज्यादा समय से ट्रेड एंड कॉमर्स होते आ रहे हैं। अच्छा। बहुत ही कम लोगों को पता है रिवर लाइन पोर्ट हुगली नदी में जो खिदिरपुर पोर्ट नाम से जाना जाता है, ये इंडिया का एक लौता रिवर लाइन पोर्ट है। क्या आपको पता है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता में मौजूद है? हाल ही में बना वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के बाद कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बंगाल एंड कोलकाता में फुटबॉल पसंद नहीं है। यहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। कोलकाता में फुटबॉल की क्रेज अलग ही है। कोलकाता में मौजूद कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब CCFC दुनिया का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है 1.5 लाख सीट कैपेसिटी के साथ। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी कोलकाता में होस्ट किया गया था। फुटबॉल की क्रेज को देखते हुए फीफा ने कोलकाता में वर्ल्ड कप होस्ट करने की सोच रहा है। इसके अलावा मोहन बगान ईस्ट बंगाल जैसे फुटबॉल क्लब कोलकाता में मौजूद है। आजकल तो मोबाइल फोन स्मार्ट डिवाइस हम सबके पास है। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहले कोलकाता में मोबाइल फोन को यूज किया गया था? सीरियसली? 1995 में चीफ मिनिस्टर ज्योति बोसु ने पहला फोन मोबाइल से इंडिया के यूनियन मिनिस्टर को किया था। वेट अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप बता सकते हैं इंडिया में सबसे पहले टीवी कहाँ पे यूज किया गया था? 15 सितंबर 1959 में कोलकाता में नियोगी फैमिली ने टीवी यूज किया था। सीरियसली? टेलीकास्ट डेली के जानता हुआ था। सिर्फ मोबाइल और टीवी नहीं, इंडिया में सबसे पहले मेट्रो भी कोलकाता में शुरू हुआ था। 1984 में देश में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में शुरुआत हुआ था और सबसे पुराना मेट्रो कोचेस भी कोलकाता में ही चलती है। हालांकि आज के समय में नए मॉडर्न कोचेस आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता के गंगा नदी के 30 मीटर नीचे से चलेगी जो कोलकाता एंड हावड़ा शहर को मेट्रो से जुड़ेगी। कोलकाता की कल्चर की बात करें तो यहाँ के कल्चर बहुत ही रिच है। बंगाल एंड कोलकाता का सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा। पूरे कोलकाता में हजार से भी ज्यादा दुर्गा पूजा होती है। पूजा शामिल है। शहर की एक एक बड़े पूजा पंडाल की बजट 10 करोड़ से शुरू होकर 50 करोड़ तक है। 7 से 10 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा फेस्टिवल में करोड़ों लोग सुबह से रात तक शहर के एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते हैं और इस समय में पूरे रात से दिन मेट्रो, ट्रेन, बस, ऑटो अवेलेबल होती है। इस समय कोलकाता का एक अलग ही नजारा दिखता है। कोलकाता में मंदिर से लेके मस्जिद, गिरजा से लेके गुरुद्वारा, चर्च, सभी लोग अपने अपने उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस से लेके ईद, ईद से लेके दुर्गा पूजा, हर एक फेस्टिवल में कोलकाता के लोग अलग अलग वेरिएंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हर साल कोलकाता में रेड रोड पे दुर्गा पूजा कार्निवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जहाँ पे लाखों लोग शामिल होते हैं। इंडिया के हर एक स्टेट एंड सिटीज की तरह कोलकाता में भी कुछ स्पेशल फूड्स है। इसमें रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दई, छिनारा, दूध मलाई, खिचुड़ी, कषा मांस, माछेर झोल, चप, तेले भाजा, घुगनी, रोल, कोलकाता स्टाइल बिरयानी, चिकन चाप, चिकन कबाब, कुचका और भी ऐसे कई सारे खाना जो जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। शिक्षा में बंगाल एंड कोलकाता काफी आगे है। कोलकाता की शिक्षा की हार है 93.4%। यहाँ पे कई सारे फेमस कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बना हुआ है। इसमें कई सारे इंडिया के टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी में शामिल है, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी, IIM एटसेट्रा। कोलकाता में सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना पड़ता। इंडिया के बाकी किसी भी शहर के मुकाबले ट्रैफिक कोलकाता में स्मूथ है। रश आवर में भी 5 से 10 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती। इससे शहर के किसी भी जगह पे जल्द से जल्द जाया जा सकता है। कोलकाता की ट्रैफिक, कोलकाता ट्रैफिक पुलिस संभालते हैं जो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट के साथ पूरे कोलकाता शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं।
कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है, जो लगातार इंडिया के टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज के रैंकिंग में शामिल है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता देश का सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है, जहाँ पे महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ फील करती है। बीते कई सालों में कोलकाता पुलिस कोलकाता की क्राइम रेट को कम करने में सक्सेसफुल रहा है। कोलकाता की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलकाता में ही है। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता सबर्बन रेलवे, रिक्शा, लग्जरी टैक्सी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक बसेस, ऑटोस, फेरी, वाटर टैक्सी, ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। लोग अपने सुविधा के अनुसार ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। इतने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के वजह से इतना पॉपुलेटेड शहर होने के बाद भी ट्रैफिक एकदम स्मूथ रहता है। इसमें आप लोगों को बता दूं, सबसे सस्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ कोलकाता में ही चलती है, जहाँ पे आज भी 5 रुपए में मेट्रो फेरी से लोग यातायात कर सकता है। 5 रुपए कोलकाता में मौजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का टॉप 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, जहाँ से साल भर कई लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। कोलकाता रेलवे से भी जुड़ा हुआ है। कोलकाता में 5 बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद है, हावड़ा रेलवे स्टेशन, शियालदह रेलवे स्टेशन, शालीमार रेलवे स्टेशन, शत्रागाछी रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन। इन सारे रेलवे स्टेशन में बाहर के स्टेट से एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती है। इसमें हावड़ा रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। इंडिया में शायद ही और कोई शहर में इतने सारे रेलवे स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा इंटरस्टेट बस टर्मिनल एंड पोर्ट भी शामिल है। कोलकाता में स्प्लेनेट, न्यू मार्केट, फैंसी मार्केट, हाथी बागान, गोरियाहाट जैसे लोकेशन कम पैसे में अच्छी शॉपिंग करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही कम दाम में मिल जाता है। कोलकाता में बड़े बड़े मनीषियों से लेकर आज के समय की कई सारे नाम शामिल है। इसमें विद्यासागर, सत्यजीत राय, मदर टेरेसा, नेताजी, राममोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, आज के समय में शान, बापी लहरी, अरिजीत सिंह, मोनाली ठाकुर, प्रीतम, रानी मुखर्जी, काजोल, सुष्मिता सेन, अमिताभ बच्चन, सौरभ गांगुली, ढेरों ऐसे नाम शामिल है जो कोलकाता से जुड़ा हुआ है। एक चीज जो इंडिया में कोलकाता को सबसे खास बनाता है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कोलकाता इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज होने के बाद भी यहाँ पे खाने से लेकर पहनने तक, रहने से लेकर पार्टी करने तक, लग्जरी लाइफ बिताने से लेकर टाइट बजट तक सब कुछ एकदम कम पैसे में हो जाता है, जो कोलकाता को इंडिया का एक चीपेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाता है। ये शहर सबके लिए है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। कोलकाता में ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पे लोगों को जरूर जाना चाहिए। ये जगह बहुत ही खास है कोलकाता के लोगों के लिए। इको पार्क से लेके निको पार्क तक, मैदान से लेके पार्क स्ट्रीट, विश्व बांग्ला गेट से लेके रविंद्र तीर्थ, अलीपुर जू से लेकर लाइब्रेरी तक, फोर्ट विलियम से लेकर मदर हाउस तक, प्रिंस घाट से लेकर मिलेनियम पार्क तक, वैक्स म्यूजियम से लेकर इंडियन म्यूजियम तक, विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर रेसिंग कोर्स तक, ढाकुरिया लेक से लेकर नंदन तक, नलबन से लेकर राजभवन तक, कालीघाट से लेकर दक्षिणेश्वर तक, नाखोदा मस्जिद से लेकर फ्लोटल मार्केट, मार्बल हाउस से लेकर टेगोर हाउस, साउथ सिटी मॉल से लेकर सिटी सेंटर मॉल, हावड़ा ब्रिज से लेकर हुगली ब्रिज, बाग बाजार घाट से लेकर कुमुरटुली, नजरुल तीर्थों से लेकर मिस्टी हाफ, ये कोलकाता की अलग अलग वेरिएंट है। शायद ही कोई एक वीडियो में कोलकाता को एक्सप्लोर किया जा सके। मुझे पता है मैंने काफी कुछ मिस कर दिया। एक ही वीडियो में कोलकाता को एक्सप्लोर करना सच में मुश्किल है। अच्छा, लेकिन जितना हो सके मैंने कोशिश किया है कवर करने की। अगर आपको कोई भी रीजन के लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। प्लीज गाइस, कोलकाता एक तरफ जहाँ पे अपने ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर को पकड़ के रखा है, दूसरी तरफ हाई डेवलप मेट्रो सिटी, स्काई स्क्रैपर्स, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, मॉडर्न आर्किटेक्ट से एक हाई डेवलपिंग सिटी के तौर पर समय समय पे अपने आप को चेंज करते आया है। नॉर्थ कोलकाता में जहाँ पे हिस्ट्री नजर आते हैं, वही साउथ कोलकाता में मॉडर्न आर्किटेक्ट नजर आता है। कोलकाता सच में सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता को लेकर आप अपना लव, इमोशन, एक्साइटमेंट हम सबसे कमेंट पर जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत। भाई नमस्कार, तो प्लीज कमेंट करे जानो तुम्ही এখনো পর্যন্ত ভিডিও দেখছো এখন পর্যন্ত। সো গাইস নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, নমস্তে, দেখা হচ্ছে নতুন কোন রিঅ্যাকশন ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন এবং নিজের খেয়াল রাখবেন এবং পরিবারের সাথে ভালো সময় স্পেন্ড করবেন। টাটা এন্ড টেক কেয়ার, লাভ ইউ গাইস।